सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान रमन महर्षि की शिक्षाओं के ऊपर पांचवां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं आत्मा अनुसंधान सिद्धांत के विषय पर। स्मरण होगा कि आत्म भान एवं आत्म विस्मृति के प्रकरण में श्री रमन ने कहा था, देह मन के माध्यम से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है, इस विचार को त्यागने मात्र से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। उनके भक्तों में से कुछ परिपक्व साधक तुरंत इसे सरलता से सिद्ध करने में समर्थ थे, किंतु दूसरों के लिए जीवन भर की दृढ़ वैचारिक आदतों को किसी विशेष प्रकार की आध्यात्मिक साधना के बिना त्याग कर इसे सिद्ध करना असंभव था। श्री रमन उनकी इस मुश्किल परिस्थिति से सहानुभूति रखते थे और जब भी आत्म सभानता बनाए रखने के लिए किसी दूसरी पद्धति बताने के लिए प्रार्थना की जाती तो वे आत्मा अनुसंधान नाम की युक्ति बताते थे। यह साधना पद्धति उनके व्यावहारिक आध्यात्मिक उपदेश का मूलाधार थी। अगले तीन प्रकरणों में इसके सभी पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा। इस युक्ति का वर्णन करने के पूर्व श्री रमन के मन के सब स्वरूप विषयक विचारों को समझाना आवश्यक है, क्योंकि आत्मा अनुसंधान का लक्ष्य स्वानुभव से यह जानना है कि मन का अस्तित्व नहीं है। श्री रमन के मतानुसार मन तथा शरीर की प्रत्येक स्वभाव क्रिया के केंद्र में कुछ न कुछ करने वाला मैं है, जिसका अस्तित्व पूर्व धारणा के रूप में बिना सोचे विचारे ही सच्चा मान लिया जाता है। मैं सोचता हूँ, मैं याद करता हूँ, मैं कार्य करता हूँ इत्यादि, मैं सब क्रियाओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। श्री रमन इस सामान्य भाव को अहम वृत्ति कहते थे। अहम वृत्ति का अर्थ मन की निरंतर बदलने वाली मूल वृत्ति होती है। आत्मा अर्थात सच्चा मैं कभी भी मैं करता हूँ या मैं सोचता हूँ ऐसी कल्पना नहीं करता, लेकिन जो मैं इन सब कल्पनाओं को करता है वह मन की सृष्टि है, अतः उसे आत्मा का बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब माना जाता है। अहम वृत्ति का यह वर्णन कुछ जटिल सा है, इसलिए मैंने सामान्यतया संक्षेप के लिए अहम विचार शब्द का प्रयोग किया है। श्री रमन यह मानते थे कि व्यक्तित्व विभिन्न रूपों में स्वयं को प्रकट करने वाला अहम विचार मात्र है। बुद्धि, स्मृति एवं अहम भाव इत्यादि मन के विविध व्यापारों को अलग मानने के बजाय वे उनको अहम विचार के भिन्न भिन्न रूप मानना पसंद करते थे। व्यक्ति तो मन से अलग नहीं है, मन अहम विचार से अलग नहीं है, अतः सच्चे मैं रूप आत्मा का ज्ञान होने पर उसे भिन्न व्यक्तित्व का भाव यदि अदृश्य हो जाए तो मन तथा अहम विचार भी अदृश्य हो जाते हैं। इस तथ्य की पुष्टि उनके बार बार किए गए इस विधान से होती है कि आत्म साक्षात्कार के बाद विचारों का विचारक, कर्मों का कर्ता
तथा अलग व्यक्ति होने की समानता वाला जीव नहीं रहता, क्योंकि उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि जिसका सच्चा अस्तित्व है वह आत्मा ही एकमात्र सत्य है। अहम विचार भ्रांति जन्य कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं है, अर्थात उसका अपना स्वतंत्र सच्चा अस्तित्व नहीं है, तो फिर वह दिखता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर वे ये कहकर देते थे कि किसी पदार्थ से एक रूप हुए बिना उसका अस्तित्व दिखता नहीं है। जब विचार उत्पन्न होते हैं तो यह अहम विचार उनके स्वामित्व का दावा करता है, जैसे मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ इत्यादि। लेकिन जिन स्थूल सूक्ष्म पदार्थों से वह एक रूप होता है उनसे भिन्न किसी अलग अहम विचार का अस्तित्व नहीं होता, वह सतत रहने वाला तत्व है। ऐसा इसलिए लगता है कि उसका वस्तुओं से तादात्म्य का प्रवाह निरंतर जारी रहता है। इन सारे तादात्म्यों का मूल इस गलत प्रारंभिक धारणा में ढूंढा जा सकता है कि यह मैं आकार का अहम विचार शरीर के स्वामी के रूप में या उनमें निवास करने वाले के रूप में शरीर तक मर्यादित है, अथवा शरीर के भौतिक आकार के समान आकार वाला है। मैं शरीर हूँ, ऐसा मूल विचार उसके उत्पन्न होने के पश्चात होने वाले सब गलत तादात्म्यों का जन्म स्थान है और इसका विनाश आत्मा अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य है। श्री रमण हमेशा कहते हैं कि यह आत्मा को मर्यादित करने वाले तादात्म्यों की पुरानी आदत को दृष्टा मैं को वह जिन वस्तुओं के विचारों से स्वयं को एक रूप मानता है उनसे अलग करने के प्रयत्न के द्वारा रोकी या बदली जा सकती है। क्योंकि इस व्यक्तिक अहम विचार का अस्तित्व किसी पदार्थ के आश्रय के बिना टिक नहीं सकता, यदि साधक दृष्टा रूप मैं अथवा मैं हूँ के अनुभव पर इतनी तीव्र एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करे कि मैं यह या वह हूँ ऐसे विचार उत्पन्न ही न हो, तो व्यक्तिक मैं पदार्थों के साथ तादात्म्य नहीं कर सकेगा। इस मूलभूत अहम के प्रति निरंतर ध्यान जारी रखा जाए तो व्यक्तिक मैं अदृश्य हो जाएगा और उसके स्थान में आत्मा का सीधा अनुभव होने लगेगा। इस मैं या मैं हूँ के प्रति सतत आंतरिक सभानता बनाए रखने के प्रयत्न को श्री रमण आत्मा अनुसंधान कहते थे, और अहम विचार की असत्यता प्रकट कर देने वाले सबसे अधिक प्रभावी उपाय के रूप में इसकी सिफारिश करते थे। श्री रमण के शब्दों में यह अहम विचार आत्मा अर्थात हृदय से प्रकट होता है, और जब उसकी वस्तुओं के विचारों के साथ तादात्म्य स्थापित करने की पुरानी आदत छूट जाती है तो आत्मा में विलीन हो जाता है। इस कारण वे हमेशा अपने उपदेश को अहम विचार के उदय तथा अस्त की प्रक्रिया के साथ जोड़ते थे। वे कहते हैं कि अहम विचार को उसके जन्म स्थान में लीन कर दीजिए, या अहम विचार कहाँ से प्रकट होता है इसकी तलाश कीजिए। इन सब विधानों का तात्पर्य समान होता है। भाषा किसी भी प्रकार की हो, वे अपने भक्तों को अहम विचार की सभानता तब तक बनाए रखने की सलाह देते जब तक वह जहाँ से प्रकट हुआ था उसी अपने जन्म स्थान में लुप्त न हो जाए। वे अक्सर कहा करते थे कि मैं का निरंतर विचार करने से अथवा बार बार अहम का मानसिक उच्चारण करने से भी सही दिशा में गति प्रगति हो सकती है, लेकिन यह ध्यान में रखना जरूरी है कि अभ्यास की यह प्रारंभिक भूमिका है। मैं का उच्चारण विचारक एवं विषय विचार के द्वैत की सीमा में होता है, तथा इस प्रकार के द्वैत के रहते अहम विचार बढ़ता रहेगा। आखिर वह तभी नष्ट होगा जब स्थूल भौतिक पदार्थों का और सूक्ष्म मानसिक
विचारों का दिखना समाप्त होगा। यह परिणाम अहम के विषय में सभानता रखने मात्र से प्राप्त नहीं होता, अहम रूप हो जाने पर ही प्राप्त होता है। किसी भी पदार्थ के विषय में स्वभाव रखने के बजाय केवल दृष्टा का अनुभव करने की भूमिका आत्मानुसंधान की पराकाष्ठा है, जिसकी विस्तृत चर्चा अगले प्रकरण में की जाएगी। यह महत्वपूर्ण भेद वह तत्व है जो आत्मा अनुसंधान को अन्य सब आध्यात्मिक साधना पद्धतियों से अलग करता है। इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि श्री रमण क्यों दूसरी साधना प्रणालियों को हमेशा बेअसर बताते थे। वे अक्सर यह स्पष्ट करते हैं कि पारंपरिक ध्यान पूजन में एवं योग के अभ्यास में ध्याता तथा ध्येय की आवश्यकता होती है, जिससे अहम विचार नष्ट होने की बजाय पुष्ट होता है। उनके मत के मुताबिक ऐसी साधना पद्धतियां मन को सफलतापूर्वक अस्थायी रूप से शांत कर सकती हैं एवं संभवतः आनंदपूर्ण अनुभूतियों को भी प्रकट कर सकती हैं, लेकिन कभी भी आत्म साक्षात्कार में परिणत नहीं हो सकती, क्योंकि इनसे अहम विचार स्पष्ट रूप से अलग होकर अपने अस्तित्व को मिटा नहीं सकता। इस प्रकरण में दिए गए वार्तालाप अधिकतर श्री रमण के आत्मा अनुसंधान विषयक सैद्धांतिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इस तकनीक के व्यवहारिक पहलू प्रकरण 5 में विस्तार से दिए जाएंगे। प्रश्न: मन का स्वरूप क्या है? उत्तर: मन अहम विचार से भिन्न नहीं है। मन तथा अहंकार एक हैं। उसकी बुद्धि, स्मृति इत्यादि शक्तियां भी मन ही है। मन, बुद्धि, चित्त, जिसमें संचित वासनाएं संस्कार रहते हैं, तथा अहंकार, ये सब एक मन ही है। यह ऐसा है जैसे किसी मनुष्य को उसके विभिन्न कार्यों के अनुसार विभिन्न नाम दिए जाते हैं। वैयक्तिक जीव इस अहंकार से भिन्न कुछ भी नहीं है। प्रश्न: हम मन के स्वरूप को कैसे जान सकते हैं, अर्थात उसका अंतिम कारण या तत्व क्या है जिसका वह प्रकटीकरण है? उत्तर: विचारों को उनकी मूल्यवत्ता के क्रम में देखने पर अहम विचार सबसे अधिक महत्व का लगता है। व्यक्तित्व विचार अन्य सब विचारों का मूल या स्कंद है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या विचार किसी व्यक्ति विशेष के विचार के रूप में ही प्रकट होता है और अहंकार से स्वतंत्र उसका अस्तित्व कहीं भी नहीं देखा जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि अहंकार विचार प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। प्रथम पुरुष मैं को ही तुम, वह इत्यादि द्वितीय तृतीय पुरुष दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इन तीनों पुरुषों का साथ साथ उदय अस्त होता है। इसलिए इस मैं या व्यक्तित्व के अंतिम कारण का अन्वेषण करना चाहिए। यह मैं कहां से उत्पन्न होता है, इसे अंदर ढूंढिए तो वह अदृश्य हो जाता है। यह ज्ञान मार्ग है। जब मन अपने स्वरूप का निरंतर अन्वेषण करता है तो अंत में यह ज्ञान हेतु है कि मन जैसी कोई वस्तु नहीं है। यह सबके लिए सीधा सरल मार्ग है। मन विचार समूह मात्र है, सब विचारों का मूल अहम विचार है। इस प्रकार केवल अहम विचार ही मन है। अहम विचार का जन्म व्यक्ति का जन्म है और उसकी मृत्यु व्यक्ति की मृत्यु है। अहम विचार के उत्पन्न होने पर शरीर के साथ गलत तादात्म्य में होता है। अहम विचार का त्याग कीजिए। जब तक मैं जीवित है तब तक शोक रहेगा। जब मैं का अस्तित्व लुप्त हो जाता है तो शोक नहीं रहता। प्रश्न: हाँ, लेकिन जब मैं अहम विचार सूत्र को पकड़े रखना चाहता हूँ तो अन्य विचार उत्पन्न होते हैं और मुझे परेशान करते हैं। उत्तर: देखिए कि ये विचार किसके हैं, तो वे अदृश्य हो जाएंगे। अहम विचार उनका मूल है, उसे पकड़े रखिए तो वे लुप्त हो जाएंगे। प्रश्न: अहंकार द्वारा शुरू की गई गवेषणा उसी की असत्यता कैसे प्रकट कर सकती है? उत्तर: अहम विचार जहाँ से उत्पन्न होता है
उस मूल स्रोत में जब आप डुबकी लगाते हैं तो आप अहंकार के दिखावे के अस्तित्व से पर हो जाते हैं। प्रश्न, लेकिन क्या अहम व्यक्ति इन तीन रूप में से एक नहीं है जिनमें अहंकार स्वयं को प्रकट करता है? योग वासिष्ठ तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ अहंकार को तीन रूपों वाला बताते हैं। उत्तर सही है। अहंकार को स्थूल सूक्ष्म एवं कारण इन तीन शरीरों वाला बताया जाता है, लेकिन यह केवल विश्लेषणात्मक निरूपण के लिए है। यदि अन्वेषण की पद्धति को अहंकार के रूपों पर आश्रित बनाना पड़े तो किसी भी प्रकार की गवेषणा असंभव हो जाएगी, क्योंकि अहंकार असंख्य रूपों को धारण कर सकता है। इसलिए आत्मा अनुसंधान के लिए आपको अहंकार का एक ही अहम व्यक्ति वाला रूप है ऐसा मानकर चलना पड़ेगा। प्रश्न, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए यह शायद अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है। उत्तर, अहम व्यक्ति के सूत्र को पकड़कर आत्मा का अनुसंधान करना होता है। जैसे कुत्ता सूंघकर अपने मालिक को पा लेता है, मालिक चाहे अनजाने दूर के स्थान में हो लेकिन यह कुत्ते के मार्ग में विघ्न नहीं बनता। उस प्राणी के लिए अपने मालिक की गंध ही पर्याप्त संकेत है। उसके वेश की, आकार की, ऊंचाई इत्यादि की जानकारी जरा भी आवश्यक नहीं है। कुत्ता उसे ढूंढते समय उसकी गंध को एकाग्रता से सूत्र की तरह पकड़े रहता है और अंत में उसे पाने में सफल होता है। प्रश्न, मन की दूसरी वृत्तियों को छोड़कर इस अहम वृत्ति के मूल की तलाश को ही आत्म साक्षात्कार का सीधा मार्ग क्यों माना जाए? यह प्रश्न फिर भी अनुत्तर रहता है। उत्तर, यद्यपि मैं या मैं हूं का भाव दुनिया के व्यवहार में अहम वृत्ति माना जाता है, लेकिन वस्तुतः यह मन की अन्य वृत्तियों की तरह साधारण वृत्ति मात्र नहीं है, क्योंकि परस्पर असंबद्ध अन्य सब वृत्तियों से भिन्न यह अहम वृत्ति मन की दूसरी सब वृत्तियों से तात्विक रूप से संबद्ध है। अहम वृत्ति के बिना अन्य कोई भी वृत्ति टिक नहीं सकती, लेकिन स्वयं अहम वृत्ति मन की अन्य वृत्तियों के बिना भी स्वतंत्र रूप से रह सकती है। इस कारण अहम वृत्ति अन्य सब वृत्तियों से मूलभूत रूप से भिन्न है। इससे यह स्पष्ट है कि अहम वृत्ति के मूल की तलाश अहंकार के किसी एक रूप के आधार की तलाश नहीं है, बल्कि उस मूल स्रोत की तलाश है जहां से मैं का भाव प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में, अहम वृत्ति रूप अहंकार के मूल की तलाश एवं उसकी प्राप्ति आवश्यक रूप से अहंकार तथा उसके प्रत्येक संभावित रूप से परे होने का मार्ग है। प्रश्न, यदि यह स्वीकार करने पर भी कि स्वयं अहम वृत्ति में अहंकार के सभी रूपों का समावेश होता है, आत्म साक्षात्कार के लिए केवल उसी वृत्ति का आश्रय क्यों लिया जाना चाहिए? उत्तर, क्योंकि केवल वही आपके अनुभव का अपरिहार्य सूत्र है और उसके मूल की तलाश करना ही एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है जिसका आत्म साक्षात्कार के लिए आप आश्रय ले सकते हैं। कहा जाता है कि अहंकार का एक रूप कारण शरीर है, गाढ़ निद्रा की अवस्था है, लेकिन आप उसे अपनी तलाश का अक्षेत्र कैसे बना सकते हैं? जब अहंकार उस रूप का आश्रय लेता है तो आप गहरी नींद के अंधकार में डूबे रहते हैं। प्रश्न, लेकिन क्या अहंकार अपने सूक्ष्म एवं कारण शरीर वाले रूपों में अमूर्त और अत्यंत अग्राह्य नहीं होता, जिसे उसकी जागृत अवस्था में की गई तलाश से पकड़ पाना असंभव है? उत्तर, नहीं। अहम व्यक्ति के मूल का अन्वेषण अहंकार के पूरे अस्तित्व को स्पर्श करता है। इस कारण अहंकार के रूपों की सूक्ष्मता तथा अग्राह्यता विशेष महत्व नहीं रखती। प्रश्न, जबकि एकमात्र लक्ष्य आत्मा की पूर्णता का अथवा शुद्ध सत्ता का अनुभव प्राप्त करना है जो किसी भी तरह अहंकार के आश्रित नहीं है,
तब अहम वृत्ति रूप अहंकार विषयक अन्वेषण उपयोगी कैसे हो सकता है? उत्तर: कार्यकारी रूप में अहंकार का केवल एक लक्षण है। अहंकार शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा तथा अचेतन शरीर के बीच गांठ रूप है। इस कारण उसे चित्त जड़ ग्रंथि कहा जाता है। अहम वृत्ति के मूल के अन्वेषण के दौरान आप अहंकार के तात्विक चिद्रूप पहला का आश्रय लेते हैं। इस कारण आपका अन्वेषण आपको अवश्य आत्मा के शुद्ध चैतन्य के अनुभव की ओर ले जाता है। आपको अपने आप में शुद्ध अहम का तथा अहम विचार का भेद अवश्य करना चाहिए। अहम विचार वस्तुतः विचार मात्र है, इसलिए वह दृष्टा और दृश्य को देखता है, सोता है, जगता है, खाता है, सोचता है, मरता है और फिर जन्म लेता है। लेकिन शुद्ध अहम शुद्ध सत्ता या अस्तित्व है जो अज्ञान तथा विचार रूप भ्रम से मुक्त है। यदि आप निर्विचार होकर केवल अपने केवल सत्ता रूप अहम बनकर रहे तो अहम विचार अदृश्य हो जाएगा और भ्रम हमेशा के लिए मिट जाएगा। चलचित्र गृह में आप बहुत मंद प्रकाश में अथवा अंधकार में चित्र देख सकते हैं, पूरे प्रकाश में चित्र लुप्त हो जाते हैं। इसी तरह परमात्मा के पूर्ण प्रकाश में सारे पदार्थ अदृश्य हो जाते हैं। प्रश्न: वह निरपेक्ष पर अवस्था है? उत्तर: नहीं, किससे पर और किसके द्वारा? केवल आपकी ही सत्ता है। प्रश्न: कहा जाता है कि आत्मा मन से पर है, पर फिर भी उसका अनुभव मन से ही होता है। मन उसका चिंतन नहीं कर सकता, मन से उसका विचार या कल्पना भी नहीं की जा सकती, और सिर्फ मन से उसे देखा जाता है। इन विरोधों का मेल किस प्रकार बिठाया जाए? उत्तर: आत्मा का अनुभव मृत मरे हुए मन से अथवा निर्विचार अंतर्मुख मन से होता है। तब मन अपने मूल आश्रय आत्मा को देखता है और तद्रूप हो जाता है। तब कोई दृष्टा किसी दृश्य को नहीं देखता। जब कमरे में अंधकार और अंधेरा हो तो वस्तुओं को देखने में नेत्रों की सहायता के लिए दीपक आवश्यक होता है। लेकिन जब सूर्योदय हो जाए तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। सूर्य को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने नेत्रों को स्वयं प्रकाश सूर्य की ओर मोड़ें, इतना ही केवल जरूरी है। इसी प्रकार का मन का उपयोग है। पदार्थों को देखने के लिए मन के प्रतिबिंबित प्रकाश की आवश्यकता है। हृदय को देखने के लिए मन को उसकी ओर अंतर्मुख कर देना पर्याप्त है। तब मन नष्ट हो जाता है और हृदय प्रकाशित हो उठता है। मन का मूल तत्व चैतन्य या सभानता है। जब वह अहंकार के अधीन होता है तब वह तर्क करने की, विचार करने की और इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करने की शक्ति के रूप में कार्य करता है। क्योंकि वैश्विक मन अहंकार से सीमित नहीं होता, उसके लिए स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं है, अतः वह केवल चैतन्य रूप है। आई एम दैट आई एम, मैं हूँ वह मैं हूँ, इस बाइबल के कथन का यह अभिप्राय है। अपने ही आत्मा की परम चेतना में जब मन का लय होता है, समझिए कि तब इच्छा क्रिया तथा ज्ञान इत्यादि की सारी शक्तियां उस चेतना में केवल काल्पनिक ख्यालों जैसे दिखती हैं और स्वतः पूर्णतया लुप्त हो जाती हैं। स्मृति एवं विस्मृति जैसे द्वंद्वों के सहारे कार्य करने वाला अशुद्ध मन ही जन्म मरण चक्कर रूप संसार है। विचार तथा विस्मृति की क्रियाएं जिष्ट में नष्ट हो गई हैं, ऐसा सच्चा अहम ही मोक्ष है और उसमें जन्म मरण का हेतु प्रमाद आत्मा विस्मृति नहीं है। अहंकार का नाश, प्रश्न: अहंकार का नाश कैसे किया जाए? उत्तर: पहले अहंकार को पकड़कर दिखाइए, फिर पूछिए कि इसका नाश कैसे किया जाए। यह प्रश्न कौन पूछता है? अहंकार।
क्या अहंकार कभी भी स्वयं अपनी मृत्यु को सम्मति दे सकता है? ऐसे प्रश्न पूछते रहना अहंकार को सुरक्षित रखने का मार्ग, उसे नष्ट करने का नहीं। यदि आप अहंकार की प्रामाणिक तलाश करें तो आपको ज्ञात होगा कि उसका अस्तित्व नहीं है, यही उसके विनाश का मार्ग है। प्रश्न, आत्मा अनुभव किस प्रकार संभव बनाया जाता है? उत्तर, अग्नि से चिंगारी की तरह आत्मा से एक स्फुलिंग निकलता है जिसे अहंकार कहते हैं। अज्ञानी में यह उत्पन्न होते ही स्वयं को किसी पदार्थ के साथ तद्रूप बना देता है। वस्तुओं से तादात्म्य किए बिना उनसे असंबंध रहकर वह टिक नहीं सकता। यह संबंध अज्ञान है जिसका नाश हमारे प्रयत्नों का लक्ष्य है। यदि उसकी स्वयं के विषयीकरण की यह आदत तोड़ दी जाए तो वह शुद्ध बना रहता है तथा अपने मूल में लुप्त हो जाता है। देह के साथ उसका गलत तादात्म में देहात्म भाव है। अच्छे परिणामों के पूर्व यह अवश्य जाना चाहिए, दो अवस्थाओं तथा दो विचारों के बीच में इस अहम का उसकी शुद्ध स्थिति में अनुभव किया जा सकता है। अहंकार उस जोंक तृण जलुका की तरह है जो अपना पहला आश्रय तभी छोड़ती है जब वह अगले कदम का आश्रय पा लेती है। जब वह पदार्थों एवं विचारों के संपर्क से मुक्त होता है तब अहंकार का सच्चा रूप जाना जाता है। यह प्रेत पिशाच जैसा अरूप अहंकार रूप का आश्रय लेकर के ही अस्तित्व में आता है। रूपों से पोषण प्राप्त करके पुष्ट होता है तथा दूसरे रूपों का ग्रहण करके ही पूर्व के रूप को छोड़ता है, लेकिन अन्वेषण करने पर अदृश्य हो जाता है। यदि मैं देह हूं ऐसे रूप वाला प्रथम पुरुष अहंकार का अस्तित्व होता है, तभी तुम वह इत्यादि द्वितीय तृतीय पुरुष भी होते हैं। प्रथम पुरुष के सत्य का अन्वेषण करके यदि उसे नष्ट किया जाए तो द्वितीय तृतीय पुरुष भी नहीं रहते, और जैसी आत्मा की शुद्ध अवस्था होती है वैसे ही मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप में प्रकाशित होता है। मैं रक्त मांस में शरीर हूँ, यह विचार ही वह एक सूत्र है जिसमें दूसरे विविध विचार पिरोए गए हैं। इसलिए यदि यह मैं कहाँ है इस प्रकार तलाश करते हुए भीतर की ओर मुड़कर देखें तो अहम विचार के साथ सब विचार समाप्त हो जाएंगे और तब आत्मा अपने आप प्रकाशित होगी। प्रश्न, मैंने जब श्री भगवान की रचनाएं पढ़ी तो मुझे मालूम हुआ कि अपना अन्वेषण आत्मा अनुभव की एकमात्र पद्धति है। उत्तर, हाँ, उसे विचार कहा जाता है। प्रश्न, उसे किस तरह किया जाता है? उत्तर, प्रश्न करने वाले को अवश्य अपने आत्मा का स्वीकार करना पड़ता है। मैं हूँ यह आत्मा अनुभव है। वर्तमान मैं के भाव को अन्वेषण के सूत्र रूप में पकड़कर शुद्ध आत्मा अनुभव तक तलाश जारी रखना विचार है। विचार एवं आत्मा अनुभव एक हैं। प्रश्न, यह स्पष्ट नहीं है, मुझे किस प्रकार ध्यान करना चाहिए? उत्तर, ध्यान के लिए ध्येय की आवश्यकता होती है। विचार में ध्येय रहित केवल ध्याता होता है। ध्यान एवं विचार में यह भेद है। प्रश्न, क्या ध्यान आत्मा अनुभव की कार्यक्षम प्रक्रियाओं में से एक नहीं है? उत्तर, किसी एक वस्तु पर एकाग्रता ध्यान है। विविध विचारों को रोककर केवल एक विचार पर चित्त को एकाग्र करने के हेतु ध्यान किया जाता है। आत्मानुभव के पूर्व यह एक विचार भी अदृश्य हो जाना चाहिए, लेकिन आत्मानुभव में कोई नई वस्तु प्राप्त नहीं करनी होती है, वह प्रथम से ही है प्रथम, परंतु विचारों के पर्दे से छिपा हुआ है। हमारे सारे प्रयत्न इस पर्दे को हटाने के लिए हैं, तब आत्मा अनुभव प्रकट होता है। यदि साधकों को ध्यान करने की सलाह दी जाए तो बहुत लोग संतुष्ट होकर चले जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई वापस आकर पूछ सकता है किसी भी वस्तु पर ध्यान करने वाला मैं कौन हूँ? ऐसे साधक को आत्मा की तलाश करने के लिए ही कहना चाहिए, वह अंतिम भूमिका है, विचार है। प्रश्न, क्या ध्यान के बिना केवल विचार से काम चलेगा?
उत्तर विचार फिर क्रिया है और लक्ष्य भी है। मैं हूँ यह लक्ष्य है और अंतिम सत्य है। प्रयत्न पर पूर्वक उसे पकड़े रहना विचार है। जब स्वाभाविक अनायास एवं स्वयं स्फूर्त रूप में रहने लगे तो आत्मा अनुभव है। चितलय के लिए सबसे अधिक कार्यक्षम विचार को छोड़कर अन्य कोई प्रभावी मार्ग है ही नहीं। दूसरी पद्धतियों से मन को शांत किया जाए तो अल्प समय के लिए वह समाधिस्थ होगा, लेकिन पुनः विक्षिप्त हो जाएगा। आत्मा अनुसंधान एकमात्र अमोघ साधन है और सीधा मार्ग है, जिसे पूर्ण निर्गुण अनंत स्वयं आप हैं। निर्गुण अनंत सत्ता स्वयं आप हैं। इस सत्य का आप अनुभव कर सकते हैं। परसम आत्मा अनुसंधान को ही ज्ञान का एकमात्र सीधा मार्ग क्यों माना जाए? उत्तर, क्योंकि आत्म विचार से भिन्न सभी साधनों में साधन के रूप में मन को बनाए रखने की पूर्ण धारणा स्वीकृत होती है, क्योंकि मन के बिना उनका अनुसरण नहीं किया जा सकता। साधना की विभिन्न भूमिकाओं में अहंकार सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपों को धारण करता है, किंतु कभी भी नष्ट नहीं होता। जनक ने जब कहा, अब मैंने उस चोर को जान लिया है जो अब तक मुझे परेशान करता रहा, अब मैं अविलंब उसको नष्ट करने का सीधा उपाय करूंगा, तो वह राजा अहंकार या मन के उद्देश्य से ऐसा कह रहा था। प्रश्न, लेकिन इस चोर को अन्य साधनों से भी तो पकड़ा जा सकता है। उत्तर, आत्म विचार से भिन्न साधनों के द्वारा अहंकार या मन को नष्ट करने का यह यत्न ऐसा है जैसे पुलिस वेशधारी चोर ही चोर को अर्थात स्वयं को पकड़ने का नाटक करे। आत्म विचार ही इस सत्य को प्रकट कर सकता है कि वास्तव में अहंकार का अस्तित्व नहीं है और मनुष्य को आत्मा की पूर्ण शुद्ध अद्वैत सत्ता का अनुभव करा सकता है। आत्मा अनुभव होने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि आत्मा पूर्ण आनंद और स्वरूप है। प्रश्न, आत्मा अनुसंधान अन्य पद्धतियों में से अधिक सीधी पद्धति क्यों है? उत्तर, अपने आप से अभिन्न केवल पूर्ण शाश्वत परम आत्मा में निष्ठा ही शरीर से आबद्ध जीव के लिए भवसागर से पार जाने की एकमात्र नाव है। अहंकार का नाश ही सत्य है। अहंकार की पहचान की तलाश करके उसे नष्ट कर दीजिए, क्योंकि अहंकार कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा और सत्य स्वयं प्रकट होगा। यह सीधी पद्धति है और सब पद्धतियां अहंकार को बनाए रखती हैं। उनमें कई संदेह उत्पन्न होते हैं तथा मैं कौन हूँ इस सनातन प्रश्न का समाधान करना अंत में बाकी रहता है, किंतु इस पद्धति में अंतिम प्रश्न ही एकमात्र प्रश्न है और उसे प्रारंभ में ही उठाया जाता है तथा इसमें अन्य किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं कि स्वयं सत्य होकर हम सत्य की तलाश में हैं। हम सोचते हैं कि हमारे सत्य को कोई आवरण छिपाए हुए है जिसे हटाना जरूरी है। यह हास्यास्पद है। एक दिन आएगा जब आप अपने प्रयत्नों पर हंसेंगे। जो हंसने के दिन होगा वह अभी और यही है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 5 प्रकरण 5 अनुसंधान अभ्यास से हम शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।